नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस ट्रेनिंग के इस चैनल में। आज के वीडियो का टॉपिक है बिजनेस में आमदनी कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आज आया हूं आप सभी के बीच में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन वो अपनी आमदनी यानी कि अपनी इनकम की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। उनको ये जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार से वो अपने बिजनेस की ग्रोथ करें वो या अपने बिजनेस में इनकम की ग्रोथ करें। कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में पहले बात करूंगा, उसके बाद लेके चलेंगे अपन इस वीडियो के माध्यम से, आपको वो सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे और कैसे आप अपने बिजनेस में इनकम को बढ़ा पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आफ्टर एजुकेशन, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, लाइक आपने ट्वेल्थ कर लिया है या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद इनकम जनरेट करने के यानी आमदनी करने के मुख्य रूप से तीन रास्ते आपके सामने होते हैं। सबसे पहला रास्ता तो होता है जॉब करना, यानी कि किसी भी प्रकार की वैकेंसी आ रही है, लाइक वो गवर्नमेंट वैकेंसी हो सकती है या कोई प्राइवेट जॉब हो सकती है। अगर आप नौकरी करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है कि भाई आप जॉब करें, उसके लिए आप प्रिपरेशन, अच्छा ये जो जॉब की तैयारी होती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसके लिए ये गोल आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल टाइम पे यानी कि अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तभी से स्टार्ट कर देते हैं, या कॉलेज टाइम पे ही वो गवर्नमेंट जॉब के को क्रैक करने के लिए उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा प्रदीप मेहरा का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते तो आपने उसमें देखा ही होगा कि वो बंदा रात को दौड़ रहा है क्योंकि उसको आर्मी में जाना है और बाकी अपने काम के लिए, मतलब जो अपने आप बोल सकते हैं दिनचर्या के लिए या अपने दैनिक खर्चे के लिए वो कई जगह पे काम भी करता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अगर आपको जॉब करना है, अगर आपका डेडिकेशन है कि नहीं मुझे जॉब करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब पे जाना है या किसी पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए तैयारी बहुत लगती है और ये चीज़ें पहले से ही डिसाइड होती है, गोल आपका डिसाइड होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार से किसी जॉब को पा पाएंगे यानी कि कर पाएंगे। अब जो दूसरा तरीका है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस, इन दोनों चीज़ों को लेकर कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ। तो सेल्फ एम्प्लॉयड एक्चुअली होते हैं वो लोग हैं जो किसी प्रकार की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उस एजुकेशन से रिलेटेड ही उनको काम करना है। लाइक डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स, आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं या MBBS के अलावा और भी बहुत सारी डिग्री होती है जिसके बाद आप इस जो ये फील्ड है डॉक्टर की फील्ड है, इस फील्ड में आप काम करने लगते हैं, आप डॉक्टर हो जाते हैं, या वकील हैं तो वकील वकालत करने लगते हैं, या CA हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो वो काम करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहलाते हैं। मतलब आपने एक ऐसी पढ़ाई की है जिस पढ़ाई के आधार पर आप काम कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं बिजनेस वाले बंदे, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिजनेस का एजुकेशन से कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर आपने एजुकेशन पढ़ी, आपने एजुकेशन की है, कंप्लीट की है, देन आप किसी भी बिजनेस में, लाइक आप कपड़े की दुकान ओपन कर रहे हैं, आप कोई भी किराना की शॉप ओपन कर रहे हैं, आप MPLN का काम कर रहे हैं, आप CSC का काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है कि भाई आपके पास हायर एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, आपको पढ़ते आना चाहिए ताकि आप इन काम को आसानी से कर सको, आप नए नए बिजनेस स्ट्रेटेजी तैयार कर सको, इस कारण से थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना जरूरी है। लेकिन इसमें आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको एजुकेशन उतना ज्यादा मायने आपके लिए नहीं रखेगा। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे हम बात करते हैं MPLN और CSC बिजनेस से रिलेटेड खासकर बात करते हैं, तो आज भी मैं आपको MPLN और CSC बिजनेस से रिलेटेड ही जानकारी दूंगा। अभी बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में 90% ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार से, अपने बिजनेस की इनकम से सेटिस्फाई होते हैं कि भैया चलो ठीक है, आज मैंने इतना अर्निंग कर ली, आज मुझे इतनी इनकम हो गई है और इस महीने में मैंने इतनी इनकम जनरेट कर ली, इस महीने में मेरी इतनी इनकम हो गई है, तो वो अपने बिजनेस की इनकम से सेटिस्फाई होते हैं कि चलो ठीक है, जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, सही चल रहा है। 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस की इनकम से सेटिस्फाई नहीं होते। नहीं होने का मतलब ये नहीं कि उनकी इनकम कम हो रही है, उनकी इनकम अच्छी हो रही है, उसके बाद भी वो अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वो उम्मीद और ज़्यादा करते हैं कि भैया हमको अगर आज इस महीने हमने 10,000 इनकम जनरेट की तो उनकी उनका प्रोस्पेक्ट ये होता है, उनका जो आप बोल सकते हैं उनकी उम्मीद जो होती है अपने बिजनेस से इनकम की, वो होती कि यार मैं 15,000 कर सकता था, 20,000 कर सकता था, लेकिन इस मंथ मैंने
10,000 ही किया है। तो जो ऐसे लोग हैं जो इस 10% की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग हमेशा कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। तो आप भी अगर 90% लोगों की कैटेगरी में हैं कि आप अपने बिजनेस की इनकम से सेटिस्फाई हैं, तो आपको भी इस कैटेगरी से निकलकर उन 10% लोगों की कैटेगरी में आना पड़ेगा जो अपनी बिजनेस की इनकम से सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस की इनकम से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आप उसको और बेहतर करने के बारे में सोचेंगे, कैसे उसको आपको बढ़ाना है उसके बारे में सोचेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो खोजना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस में, देखो बिजनेस कई प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं। लाइक आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई कपड़े की दुकान वाले हैं या कोई किराना वाला है, तो उनको अपने बिजनेस में देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे कर पाएंगे, कैसे बढ़ा पाएंगे। अभी मैं यहाँ पर जैसे बात कर रहा हूँ एमपी ऑनलाइन सीएससी वालों के बारे में, तो दो टॉपिक लेकर चलता हूँ। सबसे पहला काम तो होता है, अगर आपको इनकम बढ़ानी, आमदनी बढ़ानी है, तो पहला तरीका तो होता है कि आपको नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि आपके पास इनकम आ कहाँ से रही है? कस्टमर के माध्यम से आ रही है। जब ग्राहक आपके पास आएंगे, कोई काम करवाएंगे, वो आपको पैसे देंगे, उसके माध्यम से आपकी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है नंबर ऑफ कस्टमर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास बढ़ेंगे, उतनी आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाए जाएंगे, उसके कुछ तरीके समझ लेते हैं। सबसे पहला तरीका तो होता है प्रचार। भैया जितना अच्छा आप मार्केट में प्रचार करेंगे, जितनी मार्केट में आपकी वैल्यू होगी, उतना अच्छा आपके पास कस्टमर बेस होगा। तो अगर आप अच्छा प्रचार करते हैं, अपनी शॉप के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, देखो प्रचार करने के भी तरीके होते हैं। प्रचार भी दो तरीकों से किया जाता है। एक तो होता है फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या हो गया कि आपने पैम्पलेट्स वगैरह लगवा दिए हैं, आपने लोगों से मिलकर आ गए, उनको विजिटिंग कार्ड देके आ गए, ये होता है फिजिकल प्रचार। एक होता है डिजिटल प्रचार। डिजिटल प्रचार में आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है अपनी शॉप से रिलेटेड, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कस्टमर आपके जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा आपने फेसबुक पेज बना के रखा है, आपने अपनी शॉप को गूगल मैप में रजिस्टर करके रखा हुआ है, आपकी अच्छी खासी रेटिंग आप वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये डिजिटली तरीका भी होता है प्रचार करने का। और आज के टाइम पे मेरे हिसाब से अगर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म आपने नहीं बनाया अपनी शॉप के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये मतलब नहीं कि आपको वेबसाइट बनानी है, क्योंकि वेबसाइट आपको उतना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का फेसबुक पेज आपको ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि उस फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों से आसानी से कनेक्ट हो सको, उनको जानकारी दे सको कि आप अपनी शॉप से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रचार करने का दो तरीका, फिजिकल तरीका बहुत काम आता है जो पहले से चलता आ रहा है, साथ ही साथ आज के समय में डिजिटल तरीका बहुत काम आता है, क्योंकि आज के समय में लोग डिजिटली हर किसी के पास मोबाइल होता है, फेसबुक पेज सब देखते रहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे अधिकतर लोग लाइव रहते हैं और वो उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। तो आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन जरूर लेके जाएं। ऑनलाइन लेके जाने का मतलब कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में जानकारी लगे। ठीक है, सेकेंड थिंग होती है वैल्यू बनाना। अभी आप जब तक अपने शॉप की, अपने बिजनेस की वैल्यू अपने मार्केट में क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपके पास एक अच्छी ऑडियंस नहीं आ पाएगी। तो जब आपको वैल्यू बनाना, तो वैल्यू कैसे बनाओगे, दो तरीके वैल्यू के भी मैं बताता हूँ। एक तो इन्फॉर्मेशन देकर, अब लोगों को जानकारी देना बहुत अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि लोगों को, जैसे मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था वैकेंसी बोर्ड के बारे में, अगर आप एमपी ऑनलाइन सीएससी की दुकान चलाते हैं, तो आपकी शॉप के बाहर अगर कहीं पर आपने वैकेंसी बोर्ड लगा के रखा है, तो लोग आपके दुकान के बाहर आकर कम से कम उनको वैकेंसी के बारे में जानकारी फ्री में मिल रही है, वो देख पा रहा है कि कौन सी वैकेंसी अभी रिसेंटली आई हुई है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कितनी फीस लगने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ से मिल रही है। तो इससे क्या होगा, आपके यहाँ फुटफॉल बढ़ेगा, मतलब लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का एंगेजमेंट आपके यहाँ बढ़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन देना बहुत अच्छा तरीका होता है मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने के लिए। इसके अलावा एक होता है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे स्टूडेंट को देखें, जैसे आफ्टर ट्वेल्थ, अगर मान लो कोई बच्चा है जो ट्वेल्थ कर रहा है,
ट्वेल्थ के बाद वो कौन कौन सी वैकेंसी भर सकता है, उसके लिए उसको किस चीज़ से तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी जॉब है जो उसके मतलब की हो सकती है, या आफ्टर टेंथ वो कौन सी वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हैं। जैसे एसएससी की बात करें, एसएससी जो होती है वो टेंथ बेस से भरी जाती है, तो आप एसएससी के बारे में उसको जानकारी दे सकते हैं कि भाई एसएससी में क्या मांगा जाता है, क्या प्रक्रिया होती है उनकी, कैसे कैसे फॉर्म निकाले जाते हैं, किस प्रकार के फॉर्म उसमें निकलते हैं, उससे रिलेटेड आप उनको गाइडेंस दे सकते हो, तैयारी करने के लिए उनको जानकारी दे सकते हो। आप अपने सेंटर में ये चीज़ कर सकते हो या किसी स्कूल पर जाकर आप उनको जानकारी दे सकते हो। तो इसके लिए लोगों को कन्विंस करना, लाइक अगर आप 10th क्लास के बच्चों को जो अभी 10th का एग्ज़ाम जिनका होने वाला है या जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, अगर आप वहाँ पर स्कूल पर जाकर उनके प्रिंसिपल से ये बात करें कि भाई आफ्टर 10th वैकेंसी कौन कौन सी आती है, उसके बारे में हम बच्चों को एक गाइडेंस देना चाहते हैं, एक जानकारी देना चाहते हैं, इसमें आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके फ्यूचर के लिए है, उनके भले के लिए, उनकी अच्छे के लिए ये बात है, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आप बराबर वहां पर जाकर उनको जानकारी दे सकते हो और वहां से आप उनका डेटा भी चाहे तो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो डेटा आपके आगे बहुत काम आएगा। तो अगर आप अपना गाइडेंस इंफॉर्मेशन लोगों को देते हो तो यहां से आपकी शॉप की, आपके बिजनेस की वैल्यू जरूर क्रिएट होती है, आपको लोग जानने लगते हैं। इसके बाद आपको वैल्यू बनानी है बाय नेचर भी। बाय नेचर का मतलब ये होता है आप पर्सनली लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है आपके बिजनेस के लिए। प्रोफेशनली आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आपने दुकान में बहुत अच्छा सेटअप करके रखा है, बहुत अच्छा काम आप करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है, तो आपके यहाँ कस्टमर एक बार तो जरूर आएगा लेकिन दोबारा आने के लिए वो सोचेगा। इस कारण से आपका नेचर बाय प्रोफेशन भी अच्छा होना चाहिए और पर्सनल भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपसे मार्केट में कोई मिलता है तो कम से कम वो आपसे हाय हेलो कर सके, वो ये ना कहे कि यार ये आदमी बाय नेचर बहुत अच्छा नहीं है या इसका बात करने का तरीका सही नहीं है। अब अगर प्रोफेशनली नेचर की बात करेंगे, प्रोफेशनली आपको कैसा होना चाहिए, तो जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट में, आपके कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे होंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्पिटिटर के साथ दुश्मनों के जैसे व्यवहार करना है। अगर आपके कॉम्पिटिटर भी हैं तो भी आप उनसे हाय हेलो कर सकते हैं, उनसे आप एक मित्रता का संबंध बना के रखें। तो आप बाय जो पर्सनल नेचर है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए कस्टमर के साथ, और प्रोफेशनल नेचर जो आपके कॉम्पिटिटर उनके साथ, इन सभी के साथ आपका अगर नेचर अच्छा है तो लोग आपकी शॉप की वैल्यू वहां पर आपकी अच्छी होगी, लोग आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, और जो आपके बिजनेस के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिटी क्रिएट करके भी आप अपना प्रचार कर सकते हैं। कम्युनिटी क्रिएट करने का मतलब, स्टूडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि भाई 10th के बच्चों को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, वो एक कम्युनिटी तैयार हो जाती है, जो कम्युनिटी आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगी। बहुत प्रकार की हेल्प होती है, लाइक कल को वो आपके पास फॉर्म भरवाने के लिए भी आएंगे, अगर उनको कुछ सीखना होगा तो वो सीखने के लिए आपके पास आएंगे, अगर आप किसी प्रकार की कोचिंग प्रोवाइड करने लगे तो भविष्य में वो आपके पास कोचिंग के लिए भी आ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास करवाने के लिए वो स्टूडेंट बेस आएगा। तो आप कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट की कम्युनिटी हो सकती है, जॉब रिलेटेड कम्युनिटी हो सकती है, लाइक जैसे हमने बोला 10th है, 10th के बच्चे एसएससी के लिए ज़्यादातर जो 10th पास होते हैं वो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपने एक कैटेगरी ले ली भाई एसएससी की तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपने एक कैटेगरी बनाई, उनको इन्फॉर्मेशन दी, उनको गाइडेंस दिया, ये एक कम्युनिटी बन गई। आर्मी में जो जाना चाहते हैं उनके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आर्मी की निकाल लो आप, आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो आपने निकाली, उनको आपने गाइडेंस दिया, इन्फॉर्मेशन दी। तो यहाँ पर आपने क्रिएट किया कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी आपको जब आप उनको इन्फॉर्म करोगे, उनको जानकारी दोगे, तो वो कम्युनिटी आपके प्रति भी क्या रहेगी, लॉयल रहेगी, और आपकी वैल्यू वहाँ पर बढ़ने लगेगी, और जितनी अच्छी वैल्यू होगी आपके मार्केट में उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। अब लास्ट जो टॉपिक इसका है, जो नंबर ऑफ कस्टमर वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, इसमें लर्निंग बहुत जरूरी है भाई साहब। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको रोज कुछ ना कुछ नया खुद से सीखना है, खुद आपको चीज़ें निकालनी है, लोगों को इन्फॉर्म करना है। देखो सीधा हिसाब होता है कि जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास जानकारी होती है, ज्ञान होता है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। अगर किसी चार लोगों के बीच में बैठे हैं और चार लोगों में से किसी व्यक्ति ने आपसे किसी टॉपिक पे चर्चा की कि भैया एसएससी के बारे में, एसएससी का जो है डेट आ गई है, अब अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है कि एसएससी में क्या होता है, कैसे होता है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे क्योंकि आपने सही जानकारी उनको दी है। ठीक है, तो इस कारण से अब आपको जानकारी कब होगी, आपको जानकारी तब होगी जब आपने उसके बारे में कुछ रिसर्च किया होगा, उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो आज के टाइम पे आप
आप ये बोल सकते हैं कि भैया आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, करेंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हैं, अभी रिसेंटली मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं, कौन सी वैकेंसी चल रही है, वैकेंसी में क्या अपडेट्स हो रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं। आप सभी से एक अनुरोध ये भी है कि अगर आप लोगों ने ट्विटर हैंडल अभी तक क्रिएट नहीं किया है, ट्विटर आज के समय का एक बेस्ट आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उन सबके रिलेटेड अपडेट्स वहां ट्विटर पे भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपने ट्विटर हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर हैंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है उसको ज्वाइन करना। और अगर आपने हमको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो हमारा भी ट्विटर हैंडल है जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप हमको भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपको इसी प्रकार से एमपी ऑनलाइन सीएससी से रिलेटेड, बिजनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस और जानकारी वहां पर हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अब बात करते हैं भाई नॉलेज, नॉलेज बहुत जरूरी होता है, तो नॉलेज आपको लेना बहुत आवश्यक है, इसको आप जरूर लें। अब बात करें दूसरी जो पॉइंट हमारा, एक तो हो गया नंबर ऑफ कस्टमर आपने बढ़ा लिए, वहां से इनकम बढ़ रही है, कैसे बढ़ाना है वो हमने आपको बताया। दूसरी चीज होती है नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ा लो, सर्विसेज बढ़ाने कैसे होगा, वैकेंसी फॉर्म तो आप भर ही रहे हो अपनी शॉप से, वैकेंसी के जो फॉर्म होते हैं वो तो आप भर रहे हो, वैकेंसी फॉर्म के साथ साथ एडिशनल बिजनेस कर लो, एडिशनल बिजनेस मतलब उसी बिजनेस से रिलेटेड कुछ और चीजें अपने यहाँ पर आप चालू करो, बिल्कुल अलग मत करना। अलग करने का मतलब ये कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हो और अचानक आपने कंप्यूटर की जगह पे कुछ और ही काम अपने बिजनेस साथ में जोड़ लिया, तो ऐसा मत करो। जो बिजनेस ऑलरेडी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड बिजनेस ही आपको साथ में करना है। साथ साथ आप बुक्स वगैरह रख सकते हो, कंपटीशन एग्जाम की बुक्स वगैरह आप रख सकते हो, है ना। हार्डवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो रिपेयरिंग का काम कर सकते हो, कोचिंग वगैरह का प्रोवाइड करवा सकते हो, टाइपिंग रिलेटेड काम करवा सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आप अपने बिजनेस में अगर एडिशनली बढ़ा लो तो इससे भी आपका इनकम जो होगी, आमदनी जो होगी तो वो बढ़ने लगेगी। तो दो मुख्य चीज़ें, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाइएगा, नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ाइएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप अच्छी इनकम अपने एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस के माध्यम से जनरेट कर पाओगे। यदि आप एमपी ऑनलाइन और सीएससी के बिजनेस में नए हो और आपको अभी काम नहीं आता कि भाई कैसे काम करना है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे बिजनेस की ग्रोथ करते हैं, किस प्रकार से आप कस्टमर बढ़ा सकते हैं, कैसे फेसबुक पेज बनाना होता है, कैसे आप पैसिव इनकम, अभी हमने जो बात की ना ये सब एक्टिव इनकम सोर्स के बारे में बात की, पैसिव इनकम सोर्स के बारे में हमने इसमें अभी बात नहीं की। अगर आप भी पैसिव इनकम सोर्स यानी कि यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टा मोजो के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, उसके लिए हमारा एक और चैनल है तोमर सर डिजिटल कमाई, उसको आप अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल की लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हम डिजिटल कमाई से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। अब इसके अलावा अगर आप एमपी ऑनलाइन सीएससी में नए हैं और आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स है जिसका नाम है एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स, और ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप में और हमारे ऐप का नाम है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र। गूगल प्ले स्टोर से आप कंप्यूटर ज्ञान केंद्र ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से अगर आपको लिंक नहीं मिल रही तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्यूटर ज्ञान केंद्र ऐप की लिंक भी मिल जाएगी जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से आपको उस ऐप के अंतर्गत आपको कोर्स मिल जाएगा जिसमें अभी लगभग 522 से ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल हैं। 2 साल तक के लिए ये कोर्स आपके पास एक्टिवेट रहेगा, वहाँ पर आपको चैट सपोर्ट भी मिलेगा, और सबसे अच्छी बात कि इस कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स की फीस है मात्र ₹600। अगर आप कहीं पर सीखने जाओगे एमपी ऑनलाइन का काम या सीएससी का काम सीखने जाओगे, कहीं पर बिजनेस ट्रेनिंग लेने जाओगे, आपको कम से कम 2000 या 5000 रुपये मंथली फीस देनी पड़ती है, मंथली फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर 600 में आपको 2 साल के लिए कोर्स मिलने वाला है, और साथ ही साथ इसमें जो वीडियोस है वो लगातार अपडेट भी होते रहते हैं, जैसे अभी 522 वीडियोस हैं, ये लगातार और भी वीडियोस उसमें आते हैं, कोई नई वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, कैसे फॉर्म भरना है वो हम बताते हैं, चैट सपोर्ट मिलता है, कहीं आप फंसते हैं, कहीं आपको दिक्कत आती है तो चैट के माध्यम से हम उसका सोल्यूशन भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है मात्र 600 में फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, 2 साल के लिए। तो अगर आप भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस के बारे में, तो इसकी लिंक, इस ऐप की लिंक, कंप्यूटर ज्ञान केंद्र ऐप है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।